जी, CPL सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग एक बहुत ही अच्छा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीडिया स्निफर और डे कॉन्सेप्ट। ये हम एक्टर लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट है, जो एक्टर लोग हैं ये लोगों को इंटरटेनमेंट देते हैं अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए। और जब हम एक्टर्स लोगों को ज़रूरत पड़ती होती है इंटरटेनमेंट की, तो हम इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक गैदरिंग होती है हम एक्टर्स की और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। जी, पिंडी बॉयज़ एंड गर्ल्स, पिंडी क्राउड ने हमें बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया और ये इवेंट एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल इवेंट जा रहा है अभी तक, लाइव जियो सुपर दिखा रहा है और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। जी डेफिनेटली, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की क्रिकेट को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी वर्ल्ड कप करीब है और हम पाकिस्तान टीम को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान के लिए कहीं भी जाकर खेलना पड़े तो हम खेलें। जी, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर ये यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल को ज़रूर देखें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड लक। कोऑपरेटिव लीग है, बहुत अच्छी लीग है, सारे आपके सामने सेलिब्रिटीज़ खेल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है और जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, सब कुछ मैनेज बहुत अच्छा किया हुआ है। ऑब्वियसली आपको पता है लाइव मैचेस आ रहे हैं तो मैनेजमेंट कैसी होगी, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है और क्रिकेट तो होगी आपको पता है। हमारी जो कंट्री है वो आप कह सकते हो कि क्रिकेट लवर्स हैं सारे, वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, हम देखें, स्टार्स को देखें, क्रिकेटर्स को देखें। क्रिकेट की अलग, आप देखते होंगे स्टार्स की अलग है, इधर सेलिब्रिटीज़ की अलग क्रिकेट हो रही है, दोनों को देखना पसंद करते हैं। माशाल्लाह क्राउड बहुत अच्छा आया था और सबने बहुत एंजॉय किया और हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बात यह है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी, हम पाकिस्तान की तरफ से, PCB की तरफ से कोई कमियां नहीं थी, उन्होंने जो जो चीज़ें प्रोवाइड की थी इंटरनेशनल लेवल पे, आई गेस जितना रिस्पेक्ट लेवल, जितनी रिस्पेक्ट उनको पाकिस्तान में मिलती है किसी भी और मुल्क में जाके नहीं मिलती है। हमारा सिक्योरिटी हमने आपको इतनी ज़्यादा दी थी कि जितनी हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती। तो बात यह है कि हमारे इंतज़ाम में कोई ऐसा नहीं है, अगर आप लोग खुद बैकआउट करते हैं तो ये आपकी बात है। इंशाल्लाह PCB, हम इतने सालों से क्रिकेट नहीं देख रहे इंटरनेशनल, तो इतना अच्छा स्टेप लिया था पाकिस्तान ने, और भी टीम्स आती हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और भी आएंगी, कोई बात नहीं। ऐसी स्टार देने के लिए यार मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत कामयाब करे अल्लाह आपको, बहुत कामयाब करे, फॉलोअर्स आपके बढ़े, सब्सक्राइब करें, हम खुद आपको करेंगे सब्सक्राइब, फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। यार मैं CPL को ऐसे देख रहा हूँ कि मैं बहुत मज़ा ले रहा हूँ नंबर वन, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत खुशी की बात है। पहली दफ़ा 105 से ज़्यादा लोग, आर्टिस्ट जमा हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, म्यूजिशंस, वी आर ऑल टुगेदर, और इससे बड़ा इवेंट मैंने नहीं देखा। तो मैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव इवेंट, बड़ा अच्छा मौसम है, आप देख सकते हैं पिंडी में हम आए हुए हैं, खचाखच लोग हैं, म्यूज़िक हो रहा है, क्रिकेट हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। यार वो हम देखें, मैं भी वो एक शायकीन हूँ, हम भी उसी तरह खेलने आए हैं और देखने आए हैं जैसे आप कॉन्सर्ट पर जाते हैं, इवेंट्स पर जाते हैं, क्रिकेट मैच। दी आर अमेजिंग, वेरी पॉजिटिव, वेरी सपोर्टिव, और सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल खेलेंगे, हर तरीके से हेल्प करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे मुल्क में आनी चाहिए, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम राइट नाउ, मगर इंशाल्लाह ताला हमने अपनी होप नहीं छोड़ी है और करेंगे और खेलेंगे और अपने मुल्क का नाम वापस उसी तरह रोशन करेंगे कि, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत सेफ है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है और खेल सकता है। बेस्ट विशेस टू स्टार जेनिक, कीप वर्किंग, कीप रॉकिंग एंड कीप मेकिंग गुड कॉन्टेंट एंड स्टफ, थैंक यू। यार CPL एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, इसमें देखें जैम ने पूरी आपकी स्टार इंडस्ट्री को इकट्ठा कर दिया है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है फॉर द होल वर्ल्ड के न्यूजीलैंड जिस तरह हमें झटका दिया मौके पे आके, और जो पाकिस्तान ने एक मैसेज भेजा है हम आर्टिस्ट को यहाँ पे इकट्ठा करके, वो मेरा ख्याल है कि इट्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर होल वर्ल्ड। यार पिंडी क्राउड बहुत सपोर्टिव है, बहुत स्पोर्टिंग क्राउड है, और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, और मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, ग्राउंड बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो इंतज़ाम हुए थे न्यूजीलैंड के लिए वो सबसे बेस्ट थे, जो कि अब हम यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टार चैनल के लिए यार मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत अच्छा चैनल है, मैंने देखा भी है, तो अल्लाह करे आप बहुत कामयाबियाँ समेटें, थैंक यू सो मच। यार एक्चुअली एक चीज़ का दुख है कि प्रॉपर जो क्रिकेटर्स हैं, जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन बिसाइड्स ऑल दैट
हमारे जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ है उनको खेलता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जा रहा है सब, ऑल गुड माशाल्लाह से, मैनेजमेंट ठीक है और मज़ा आ रहा है देख के, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ प्ले कर रहे हैं। नॉर्मली हमें ये ड्रामाज में नज़र आते हैं, स्क्रीन पर नज़र आते हैं, तो आज इनको लाइव खेलता हुआ देखकर जो है एक डिफरेंट किस्म की एक एनर्जी आ रही है। CPL आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जैम बिल्डर्स इसको टाइटल स्पॉन्सर हैं और ये डी कॉन्सेप्ट तो मीडिया सिफर्स कमर्शियल का प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल में इंडिया में 8 साल से सेलिब्रिटी लीग हो रही थी, पाकिस्तान में इस तरह का कोई मौके फराहम नहीं किए गए थे, लेकिन नाउ इट्स अ वेरी बिग स्टेप और इसको आगे कंटिन्यू होना चाहिए। मेरी सजेशन ये है कि ये इसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, एक्स प्लेयर्स को भी इंक्लूड करें तो टूर्नामेंट की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर ये जिसे उन्होंने आज स्टेप उठाया है कि यहाँ पर क्राउड को भरने के लिए फ्री कर दी जनरल पासिस, तो ये एक अच्छा स्टेप है क्योंकि मज़ा आएगा, क्राउड होगा तो मैचेस देखने का मज़ा आएगा। यार इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, लेकिन दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट खेलने के लिए। लेकिन सजेशन यही है कि साथ अगर एक दो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी रख दें तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा इस टूर्नामेंट का। CPL एक अच्छा मैच है, मतलब जो स्टार्ट किया हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे टीम्स ने मिल के, क्लब्स ने जो ये स्टार्ट किया बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स हमारे माशरे में ख़त्म हो चुकी थी और अब इंशाल्लाह दोबारा से स्पोर्ट्स वापस आ रही है, तो इस पर हम बहुत खुश हैं। रावलपिंडी की क्राउड बहुत प्यारी है और वैसे मैं खुद भी पिंडी बॉयज़ हूँ, तो इससे मुझे अच्छा फील हो रहा है। सर आपका चैनल बहुत अच्छा है और थैंक यू, नाइस ऑफ यू। CPL को इस तरह से देख रहे हैं कि CPL जो है, वैसे तो हम लोग आज कोयटा जो है वो हमारी टीम है, अख्तर खिलजी ग्रुप जो है वो हमारा है, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग आज का मैच तो हार गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी जीता है पाकिस्तान की जीत होती है। और बाकी ये कि CPL एक बहुत अच्छा इवेंट है, इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। जैसा कि लास्ट ये न्यूजीलैंड वाला इशू हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग ये है कि अभी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि दुनिया को हमारा एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का जाना चाहिए कि यार हम लोग अगर नहीं भी थे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस तरह के अच्छे अच्छे इवेंट्स करवा के दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। रावलपिंडी की क्राउड वैसे तो बहुत कम लग रही है, क्योंकि ये SOPs की वजह से हम लोगों को ये बताया गया था कि 25% से ज़्यादा क्राउड जो है वो अलाउड नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो बाकी ये कि जितने भी लोग हैं माशाल्लाह अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा क्राउड। विश यू गुड लक स्टार जाने को, और बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। स्टार जैनिक।